हाउ टू सेल, किस तरह से सेल हम जो है वो कर सकते हैं, हाउ टू बूस्ट योर सेल। बहुत सारे लोग जो है वो स्टॉक करने के बाद एक क्वेरी जो है उनकी रहती है, सर ये हमसे बिक नहीं रहा है। बहुत सारे लोग ये क्वेरी करते हैं कि सर अगर हमने स्टॉक ले लिया, मटेरियल ले लिया और हमसे बिका नहीं तो क्या करेंगे। ये सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मैं देने वाला हूं दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हूं पार्थ जोशी और आप देख रहे हैं अपग्रेड इंडिया। अपग्रेड इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ये वीडियो पूरा जरूर से देखिएगा दोस्तों। बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी जो है वो ये वीडियो में मैं आज आपको देने वाला हूं दोस्तों। हाउ टू सेल, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, जो लोग ओवरनाइट अचीवमेंट में बिलीव करते हैं या फिर जो लोग ओवरनाइट अचीव करना चाहते हैं किसी भी सेल को, किसी भी टारगेट को, वो लोग ये वीडियो स्किप ही कर दीजिए, देखिए ही मत। एटलीस्ट आपको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल की अगर आप में पेशेंस है किसी भी काम को करने की तो ये वीडियो देखिएगा, बाकी ये वीडियो मत देखिए। चलिए मैं बताता हूं डिजिटली किस तरह से हम सेल जो है उसको ग्रो कर सकते हैं, उसको एडवांस लेवल तक लेकर जा सकते हैं। किस तरह से हम ये कर सकते हैं कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के 100, 200, 500 पीस आए तो आराम से हम उसको बेच सके, आराम से हम उसको निकाल सके। सबसे पहले दोस्तों आपका टारगेट जो है वो होना चाहिए एटलीस्ट 10,000 फॉलोअर्स। अगर YouTube चैनल है 10,000 सब्सक्राइबर्स, अगर Facebook पेज है 10,000 पेज लाइक्स, इस तरह से मिनिमम आपके पास 10,000 का ट्रैफिक जो है वो होना चाहिए। और मल्टीपल वेरियस प्लेटफॉर्म पर आप अपनी जगह जो है वो बना कर रखिए दोस्तों। यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, हर जगह पर। सिर्फ बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर ही अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल करने की कोशिश करते हैं। इसमें दिक्कत ये होती है दोस्तों कि जब तक आप एक्टिव हैं तब तक आपकी चैनल जो है, आपकी प्रोडक्ट जो है वो लाइव है। बहुत सारे मेरे सप्लायर भी, सप्लायर नहीं लेकिन बहुत सारे मेरे बायर जो हैं वो भी क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। वो लोग कहते हैं हम टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टेलीग्राम है ही नहीं हम टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं। तो अगर यूज नहीं करते, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, डाउनलोड कीजिए, ज्वाइन कीजिए। वैसे हमारा भी किचनवेयर होलसेल का बिजनेस है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक भी दी गई है, वहां पर आप हमारी वेबसाइट को भी स्टडी कर सकते हैं। आपको हर जगह पर अपनी प्रेजेंस जो है वो बनाकर रखनी पड़ेगी, लंबे अरसे तक रखनी पड़ेगी दोस्तों, और तभी जाके आपके पास एटलीस्ट 10,000 फॉलोअर्स जो है वो आएंगे। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप से आप कभी भी ये काम नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इंस्टाग्राम पर जाइए, अगर आप पोस्ट बना सकते हैं अच्छी सी, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज बनाइए। अगर आप वीडियोज बना सकते हैं तो यूट्यूब पर आइए। अगर आप पोस्ट को रीशेयर कर सकते हैं और अच्छी अच्छी पोस्ट बना सकते हैं, फॉलोअर्स, आपको लाइव फॉलोअर्स के साथ काम करना है तो टेलीग्राम पर जाइए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वेरियस प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो दिए गए हैं। टेलीग्राम पर एटलीस्ट 10,000 ज्वाइनीज का टारगेट रखिए आप। 10,000 ज्वाइनी मेरी टेलीग्राम चैनल पर होने चाहिए, ऐसा टारगेट रखिए। उसके बाद देखिए दोस्तों बिजनेस जो है वो किस तरह से एक अलग ही ऊंचाई के ऊपर सीधा जे कर्व लेगा और ऊपर जाएगा। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको पेशेंस की रिक्वायरमेंट है। ओवरनाइट अचीवमेंट कभी भी कोई भी नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है, भूल जाइए इस बात को। ओवरनाइट अचीवमेंट बिजनेस के अंदर, सेल्स के अंदर कभी भी हो ही नहीं सकता है। अगर आप डेवलपर हैं, अगर आप अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हैं तो वेबसाइट बनाइए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो किसी से डेवलप करवाइए, लेकिन कंसिस्टेंसी रखिए, हर काम में कंसिस्टेंसी रखिए दोस्तों। एटलीस्ट 6 महीना, 8 महीना, 1 साल की कंसिस्टेंसी रखिए, तभी जाकर आपका सेल्स जो है वो बूस्ट होगा, रॉकेट की तरह आपका सेल जो है वो चलेगा। ये गारंटीड, मेरी साइड से गारंटी है कि अगर आपके पास कहीं पर भी 10,000 फॉलोअर्स हैं तो आपका सेल जो है वो अनबिलीवेबल होगा। और साथ ही साथ दोस्तों फायदा एक ये भी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका एक फॉलोअर इज इक्वल टू 1 रुपीज पर मंथ, इतना मिनिमम आपको देगा। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका एक फॉलोअर
इज इक्वल टू 1 रुपीज पर मंथ देगा। अगर आपको सही तरीके से बिजनेस करना आता है, अगर आप सही तरीके से मार्केटिंग करते हो, मान लीजिए अगर आपके पास 2 लाख फॉलोअर हैं तो डिजिटली आपको 2 लाख रुपया आराम से मिल सकते हैं दोस्तों। इसके लिए थोड़े बहुत एफर्ट्स आपको लगाने होते हैं और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर 1 लाख फॉलोअर है तो 1 लाख रुपया आपको पर मंथ मिल सकते हैं, पॉसिबल है। तो फॉलोअर्स के ऊपर फोकस कीजिए, मार्केटिंग कॉन्स्टेंट कीजिए। एक भाई साहब थे, हमारा कोर्स लिया था उन्होंने अफिलिएट मार्केटिंग का, बहुत अच्छी तरीके से सारे वीडियो शायद उन्होंने देखे थे। फिर उन्होंने फेसबुक पेज क्रिएट किया, फेसबुक पेज क्रिएट करने के बाद लगभग 15-20 दिन बाद मुझे उसका मैसेज आया, सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन ना लाइक आते हैं, ना शेयर करते हैं कोई, और ना ही मेरी पोस्ट जो है वो देखी जाती है। तो ये हो गया ओवरनाइट अचीवमेंट वाला फोकस, ये पॉसिबल नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा। आपको कॉन्स्टेंटली मेहनत जो है वो करनी होगी। वैसे मैंने अफिलिएट मार्केटिंग कोर्स के अंदर भी कहा है कि एटलीस्ट आप 6-8 महीने तक फोकस होके काम कीजिए, 8 महीने तक काम कीजिए और सिर्फ काम ही कीजिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। उसके बाद 6-8 महीने के बाद आपको जो रिवर्ड मिलेगा बहुत ही बेहतरीन होगा। आप आराम से 10,000, 15,000, 20,000 रुपये आप जिस तरह से मेहनत करते हैं उसके हिसाब से आप आराम से पर मंथ का अफिलिएट से कमा सकते हैं। अफिलिएट सादी सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर उसकी भी वो भी अगर आप कोर्स करना चाहते हैं उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और आई बटन में उसका वीडियो भी दे रहा हूँ, वीडियो की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है ये भी मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ दोस्तों। अगर कोई प्रोडक्ट जो है डिजिटली ई कॉमर्स पर बिक रही है, आइदर वो फिजिकल प्रोडक्ट है और डिजिटल प्रोडक्ट है, दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो इंटरनेट पर बिक रही है, जैसे कि अमेजोन है, वहां पर अगर कोई प्रोडक्ट बिक रही है, फिजिकल प्रोडक्ट है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहां पर सॉफ्टवेयर्स बेचे जाते हैं, अगर वो भी इंटरनेट पर बिक रहा है तो उसके लिए अफिलिएट्स की हेल्प लेनी सबके लिए जरूरी है। और अफिलिएट जो है वो रॉकेट की तरह वो इंडस्ट्री जा रही है, ऊपर ही जा रही है। अगर अभी आप इस इंडस्ट्री में आ गए तो आपका बेनिफिट जो है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। अगर कोई प्रोडक्ट बिक रही है दोस्तों तो सीधा आपको परचेज नहीं करनी है वो प्रोडक्ट, आप सेल कर सकते हैं, मतलब कि आप मार्केटिंग कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट का। ऑनलाइन अगर आप मूवी टिकट बिक रही है तो उसका भी मार्केटिंग कर सकते हैं, अगर सेल होता है तो आपको अच्छी खासी कमीशन दी जाएगी। अगर कोई बस बुकिंग करवा रहा है तो उसका भी अफिलिएट कमीशन मिल सकता है, अगर कोई होटल बुकिंग करवा रहा है, इन शॉर्ट जितनी भी प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकती है दोस्तों उस सब के लिए अफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जिसके लिए आप अफिलिएट मार्केटिंग ना कर सके, कहीं ना कहीं से उसका अफिलिएट जो है वो जनरेट होता ही है। वो भी अगर आप सीखना चाहते हैं दोस्तों तो अमेजॉन अफिलिएट का हमारा कोर्स है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लेकिन उसके लिए भी ओवरनाइट अचीवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपको कॉन्स्टेंटली मेहनत जो है वो करनी होगी। 6-8 महीने 1 साल की मेहनत कीजिए, उसके बाद आपको अच्छी खासी पैसिव इनकम जो है वो मिल जाएगी। बहुत सारी जगह पर आपको कहा जाएगा कि हमारा कोर्स ले लीजिए, 1 महीने के अंदर ही आपको अच्छी खासी अर्निंग जो है वो मिल जाएगी। कोई कोई कोर्स में ऐसा भी कहा जाता है कि 1 महीने में 50,000 रुपये आप कमा सकते हो। दोस्तों मैं लिख कर दे सकता हूं ये पॉसिबल नहीं है, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, आप पहले ही महीने से 50,000 नहीं कमा सकते किसी भी कोर्स से, किसी भी काम से। आपको पहले काम जो है उसको सीखना पड़ता है, उसके बाद इंप्लीमेंट करना पड़ता है और उसके बाद धीरे धीरे आपकी इनकम जो है वो स्टार्ट हो सकती है। 50,000 नहीं, आप 5 लाख भी कमा सकते हो, महीने के 5 लाख भी कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको टाइम, डेडिकेशन, अपनी एनर्जी, अपनी स्किल सबका इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसके बाद आपको मनी पैसे के रूप में बाउंस बैक जो है वो मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको लंबे अरसे तक मेहनत जो है वो करनी पड़ती है। दोस्तों आज के लिए बस यही टिप्स जो थी वो थी वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केटिंग की। आप अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, आपका फोकस जो है वो 10,000 फॉलोअर्स पर होना चाहिए। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टॉक नहीं रखना है, कोई भी प्रोडक्ट आपको आपके पास से सेल नहीं करनी है, तो अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा खासा पैसा जो है
वो आपको मिल सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसकी कमेंट जरूर से कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली कलीग में शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्या पता कौन सी टिप्स कब किसके लिए काम में आ जाए, तो ये वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगता है लाइक कर दीजिए, आपके लिए तो हम वीडियो बनाते हैं दोस्तों। और याद रखिए दोस्तों, मैं हूं पार्थ जोशी और आप देख रहे हैं अपग्रेड इंडिया। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।